أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم وبلغنا رسول الله الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله इज़्ज़त और इत्तेहराम के लायक नमाजी भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अल्लाह ताला का शुक्र कि जिसकी तौफीक से दरसे कुरान के इन बाबरकत नमाज में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि खालिक़े कायनात ये बरकत वाली गलियाँ हम सब के लिए निजात और बख्शिश का जरिया फरमाए। आज के दरसे कुरान का पहला हिस्सा और पहला पॉइंट वो आयत नंबर 213 का बकिया हिस्सा है जो परसों के दस में रह गया था। 2013 के आखिर पे अल्लाह ताला ने यानी इब्तदा में ये बात थी कि अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया कि जब इंसानी मखलूक बढ़ती गई तो इब्तदा में लोग दीन इस्लाम पर कायम थे, फिर जब आबादी बढ़ती गई कई कई फिक्रें कई कई सोचें और कई मुख्तलिफ मिजाज माशरे में शामिल होते गए तो मुख्तलिफ सोचों की वजह से मुख्तलिफ मिजाजों की वजह से लोग तकसीम दर तकसीम होते गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने नबियों को भेजा रसूलों को भेजा, उन्होंने डराने वालों को डर सुनाया खुशखबरी वालों को खुशखबरी सुनाई और उन्होंने फिर लोगों को दीन इस्लाम की तालीम और तबलीग के लिए आगाह किया। इख्तलाफात के उस दौर में फिर हर सुनने वाले ने नबी की बात को सुन के उस पर अमल नहीं किया बल्कि 124,000 अंबिया रिजवान अलैहिस्सलाम की तबलीग के बाद भी अभी आप देख रहे हैं कि 8 अरब आबादी में से 2 अरब वो है कि जो अल्लाह को वाहदहु ला शरीक मानते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी के तौर पर तस्लीम करते हैं, वरना 6 अरब आबादी जो है वो इस वक्त भी गैर मुस्लिम है। तो ये हर दौर में हिदायत का और गुमराही का आपस में मुकाबला चलता रहा है। इस ज़िमन में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि वल्लाहु यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत अता फरमाता है। ये हिदायत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास अल्लाह की तरफ से जो है ये खास होती है, अल्लाह जिसके लिए चाहता है हिदायत का दरवाज़ा खोल देता है। हाँ, इस दुनिया को अल्लाह ताला ने उस हिदायत के असबाब का जरिया ज़रूर बनाया है। किसी को हिदायत मिलती है कि उसका बाप सबब बन जाता है, किसी को हिदायत मिलती है कि उसका उस्ताद सबब बन जाता है, किसी को हिदायत मिलती है कि कोई दुनिया में पेश आने वाला वाकया कोई उसकी अपनी ज़िंदगी का कोई वाकया वो हिस्सा बन जाता है सबब बन जाता है और वो बंदा हिदायत के रास्ते पे चलने वाला बन जाता है। कई ऐसे लोग हैं माशरे में कि उन्होंने जो है चोरी से तौबा की, शराब नोशी से तौबा की, हराम कमाने से तौबा की, यानी जिस गुनाह में कोई मुलव्वस था अगर उसके अंदर का ज़मीर जागता होता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी तलब और तड़प के मुताबिक उसके लिए हिदायत का दरवाज़ा खोल देता है। वो बदनसीब रहता है कि जो अपने अंदर तलब ही ना रखे तड़प ही ना रखे और वो ये समझे कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है और बाकी सब गलत है। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाता है।
अब ये जुमला बयान करने के बाद अगली आयत हमारे रोम में खड़े कर देने वाली आयत है। अब जब अल्लाह ने फरमाया ना कि अल्लाह जिसको चाहता है सिराते मुस्तकीम पे चला देता है, जिसको चाहता है सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे देता है। अब यहाँ पर मामला तो बजाय ये बनता था कि जो सिराते मुस्तकीम पे चल पड़ा बस ठीक है वो कामयाब है और जो रह गया वो नाकाम है। अब अल्लाह ताला ने बड़ी खास बात बयान की है कि सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला वो ये ना समझे कि मैं बस मुझे ये रास्ता मिल गया तो अब मेरे लिए जो है आगे फूलों का जो है वो सेज पड़ा होगा, मेरे लिए आगे जो है वो आजादी आजादी है, मेरे लिए आगे जो है वो नाम सताब जन्नत है, ऐसा नहीं। फरमाया अम हसीब तो मन तदखुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करके बैठे होगे ऐसे जन्नत में चले जाओगे। वलम यातिकुम मसलुल लज़ीन खलौ मिन क़ब्लिकुम, और तुम्हें पहले लोगों की तरह नहीं आजमाया जाएगा। ये अंदाज देखिए अल्लाह कि तुम ये समझ के बैठ गए कि बस तुम्हें हिदायत का रास्ता मिल गया और अब तुम जो है वो जन्नत में चले जाओगे और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, नहीं बल्कि आजमाया जाएगा और इस कदर आजमाया जाएगा कि जिस तरह पहली कौमों के लोगों को आजमाया गया और उनको अल्लाह ने कैसे आजमाया, अल्लाह खुद बयान फरमाता है मस्सतहुमुल बक्सा, उन पर मुसीबतें आई, वतला उन पर तकलीफें आई, वज़ुलज़िलु और उनको झिझोड़ा गया हिलाया गया, हत्ता यकूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माहु मता नसरुल्लाह, उनको इस कदर झिझोड़ा गया और अल्लाह की तरफ से ऐसे आजमाया गया कि उनका रसूल भी और मोमिन भी कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। यानी इस हद तक उन पे इम्तिहान डाला गया, आजमाइश में मुब्तला किया गया कि वो पुकार उठे कि या अल्लाह तेरी मदद कब आए कब आए, और फरमाया अला इन्ना नसरल्लाहि करीब, खबरदार आगाह हो जाओ अल्लाह की मदद हमेशा उनके करीब होती है जो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जो है मजबूत करके रखते हैं। अब इस आयत मुबारक के पसे मंजर में जाए तो आप हैरान होंगे, ये बात उस वक्त की है कि जब ग़ज़वा खंदक बपा थी, ये खंदक की जंग लगी हुई थी, मुसलमान मदीना में अभी नए नए गए थे, यानी पांचवा साल था मदीने में उनको गए हुए। तो आप खुद जानते हैं कि एक घर भी अगर आर्जी तौर पर कहीं पे दाएं बाएं करना हो, कोई शिफ्टिंग करनी हो, तो वहाँ नए घर को मैनेज करने के लिए बच्चों को सामान को मैनेज करते कुछ टाइम लगता है। तो मुसलमान जो है वो मक्का से मदीना हिजरत करके गए हुए, तो अभी इब्तदाई ये साल है, उन सालों में जो है उन्होंने इस्लामी विरासत के सारे मामला को जो है मैनेज करना था, देखना था। अब ग़ज़वा खंदक बपा हो गई, सामने हजारों का लश्कर है दुश्मनों का, हजारों का लश्कर। अब जो सहाबा किराम थे ना वो तादाद में थोड़े थे, वो इतने बड़े लश्कर को देख के ना वक्ती तौर पर सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर अल्लाह की मदद नहीं आती तो इनके साथ हम मुकाबला कैसे करेंगे। जब ये बात सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये रिवायत हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु तआला ने बयान करते हैं, बुखारी शरीफ में भी है मुस्लिम में भी, हजरत खुबाब कहते हैं कि जब सहाबा ने हुजूर की बारगाह में यह अर्ज किया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अय मेरे प्यारे गुलामों, अय मेरे सहाबा किराम, अभी तो तुम्हें इस तरह नहीं आजमाया गया जैसे पिछली कौमों के लोगों को आजमाया गया। हजूर ने फरमाया पिछली उम्मतों में यह होता था कि एक गड़ा खोदा जाता था, उसमें एक शख्स को खड़ा कर दिया जाता था और उसके सर के दरमियान में आरे के साथ उसके जिस्म को जो है दो हिस्सों में चीर कर दिया जाता था, इस तरह उनको आजमाया जाता है और फिर भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा जो है वो बुलंद करता था जिस्म चीरने के बाद भी। और हजूर ने फरमाया फिर ऐसा भी आजमाया गया कि लोगों ने नबी का कलमा पढ़ा, रसूल का कलमा पढ़ा, तो मुखालिफीन ने काफिरों ने लोहे की कंघियां वो आग पे गर्म करके उस कलमा पढ़ने वाले के जिस्म पे
वो आग की तपी हुई कंघी है वो चलाई गई और उस गर्म कंघी से उनकी जिल्द उतर गई, गोश्त उतर गया, सिर्फ हड्डियां बच गई। और फिर पूछा गया, बोलो अब भी अल्लाह को एक मानते हो, अब भी अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ोगे? तो इतना अजाब सहने के बाद भी वो जो लोग थे वो ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा भी बुलंद करते थे और साथ अजाब सहने के बाद कहते थे कि हमारा अल्लाह भी सच्चा है और अल्लाह का नबी भी सच्चा है और जो दीन इस्लाम लेके आया वो भी सच्चा है, तुम्हारा अजाब सह लेंगे, तुम्हारी सख्तियां बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ना अल्लाह का नाम छोड़ेंगे और ना अल्लाह के नबी का नाम छोड़ेंगे। वो है ना कि तू जो हो के तू शुरू, ईसा मुझे हजार दे, ये वो नशा है जिसे तेरी तुशी उतार दे, ठीक है ना। तो ये अहले ईमान पे आजमाइश आती, तो हम चूंकि बड़े जल्दबाज है और हम जो है मतलब इस एतबार से कमजोर है, अमली एतबार से या इस्लाम की गहराई में जाने वाले नहीं है और जल्दी मायूस हो जाते हैं, तो कभी भी मोमिन की शान के ये लायक नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ने वाला हो और वो जिंदगी के किसी मरले पे जाके हाथ है नहीं, बल्कि उसको अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझे, इम्तिहान समझे और ये उसकी ईमान वाली जिंदगी का हिस्सा है। किसी कदम पे जाके मायूस ना हो कि यार मैं नमाजें पढ़ता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान हूँ, मेरे साथ ही है और आप, क्योंकि हमारी अकल उतना काम करती है जहां तक हमारी रसाई होती है। नहीं मालूम जिस आजमाइश में हम इब्तला हो रहे हैं इसके बाद नहीं मालूम अल्लाह क्या इनाम देने वाला है। हजरत मौलाना नूर रहमतुल्लाह ताला ने मस्जिद शरीफ में फरमाते हैं कि एक औरत को अल्लाह ताला ने 7 बच्चे दिए और बच्चे इस तरह दिए कि बच्चा पैदा होता मर जाता, पैदा होता मर जाता। जब 7वां बच्चा उसका पैदा होकर मरा ना, तो वो अल्लाह की बारगाह में शिकायतें करने लग गई, अर्ज करती है कि बारी ताला या तो मुझे बच्चा दिए ही ना, अगर देता है तो जिंदगी वाला दे, हयाती वाला दे, वो मेरे सामने खेले हंसे, मैं उससे प्यार करूं, वो मुझसे प्यार करे, मैं अपनी ममता को खुश करूं। ये बातें करती करती सो गई। जब आंख लगी ना, अल्लाह ने उसको जन्नत में महल दिखाया जिसमें उसके 7 बच्चे भी टहल रहे हैं और उस महल के ऊपर उस औरत का नाम लिखा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरी बंदी, तू उन 7 बच्चों के वापस लेने पे इतनी शिकवा गुनाह हो गई है, मैंने ये तेरे लिए बेहतर मामला किया है कि तेरे इन 7 बच्चों ने बड़े होकर तेरा नाफरमान बनना था, इनकी नाफरमानी के वक्त तुझे जो तकलीफ होनी थी वो इस तकलीफ से ज्यादा होनी थी कि तू कहती कि मेरे पैदा किए हुए, मेरे जन्मे जो है वो मुझे आंखें दिखा रहे हैं, मेरी कोख में पलने वाले मेरे आगे बोल रहे हैं। ये किसी भी माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल मामला होता है ना कि उसकी औलाद जो है वो बाप के आगे आंखें निकाल दे और बाप को भूले या बाप के आगे बदतमीजी करे। तो अल्लाह ने फरमाया कि तेरे इन बच्चों ने नाफरमान बनना था और इनकी नाफरमानी पे तुझे ज्यादा तकलीफ होनी थी, मैंने तुझे ज्यादा तकलीफ से बचा लिया, इनको वापस ले लिया, इनकी भी आखिरत बेहतर बना दी है और इनके साथ मैंने जन्नत में तेरी भी आखिरत भी जो है बना दी। तो ये अल्लाह की हिकमतें होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि मोमिन कितनी शान वाला है कि इसको कांटा भी चुभता है तो अल्लाह उस पर भी अजर अता करता है, कांटा चुभता है। तो इसलिए दीन की राह पे चलते हुए, इस्लाम की राह पे चलते हुए, ये खासतौर पर हमारे बुजुर्ग जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं या किसी भी मस्जिद के दीन के किसी भी मामले में जो आगे रहने वाले लोग होते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा जो है सबक है। तो कभी भी जो है वो अवामी बातों को या रिएक्शन को, किसी की नफरत को, तनकीद को, किसी के अच्छा ना समझने को आप इशू ना बनाया करें, बल्कि आप दीन के रास्ते पे काम कर रहे हैं, अगर आप दिल से मुखलिस हैं, अल्लाह रसूल की रजा आपके दिल में है, तो ये बातें आपकी उस जिंदगी का, उस काम का हिस्सा है, ठीक है। बातें करने वाले तो अल्लाह पे भी करते हैं, रसूल पे भी करते हैं, तो क्या होगा अगर मस्जिद के जो है वो किसी खातिर पे बातें हो जाएंगी? तो आपने जो है उसको इस काम का हिस्सा समझना, ठीक है। आपने इंतकाम नहीं करना, आपने रिएक्शन में नहीं करना, बल्कि आपने कहना कि हम अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं और इसमें ये आजमाइश है, हमने सुनी, अल्लाह के नबियों ने सुनी है, तो हम कौन होते हैं ना सुनने वाले।
अल्लाह के नबी भी इस रास्ते पे चले, क्या किया? अल्जाम नहीं था जो मेरे बाप नबी पे नहीं लगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा गया, मजनू कहा गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह शायर कहा गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो खानदान का जो है वो मुखालिफ कहा गया, दुश्मन कहा गया। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन के नाम पे जो है जज्बा क्या था कि अगर मेरे दाएं हाथ पे ये सूरज रख दें, बाएं हाथ पे चांद रख दें, फिर भी मैं जो है ना अल्लाह की दावत को छोड़ूंगा और ना अल्लाह के पैगाम को आम करना छोड़ूंगा। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं ना कि ये शहादत गाहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। और मियां साहब फरमाते हैं अहमियत की कीमत पहली ने कुछ दुख भी ते सहना पैंदा, अहमियत की कीमत पहली नहीं कुछ दुख भी ते सहना पैंदा है, कतरे नु मोती बनन लई कैदां विच रहना पैंदा है। वो कतरा मोती बनता है ना तो वो पता नहीं कितना अरसा वो सिप्पी के मुंह में बंद रहता है, वो कैद में रहता है तो फिर जो है उसको अल्लाह ताला मोती का दर्जा अता करता है। तो दीन की राह में ये मुश्किलात होती है। और फिर यहाँ ये बात भी ध्यान दे रहे, ये जो हमारे आजकल मतलब प्रोफेशनल नाखान और प्रोफेशनल मुकर्रमीन वो जो मतलब एडवांस जो है वो अपने अकाउंटों में फीसें और मतलब क्या मंगवा के फिर जो है वो स्टेज पे आके मतलब दीनदार और आशिक रसूल बनते हैं, ये उनके लिए भी बड़ी खास बात कि जो सिर्फ सुभान अल्लाह के जो है लोगों को जन्नत बांट देते हैं, सिर्फ मतलब वेले फेंकने पे जो है दूसरी पक्के चलती हो, ये अल्लाह क्या फरमान, मैं तुम इस चक्कर में बैठ गया कैसे जन्नत में चले जाओ, ये नहीं पूछा जाएगा कि नमाजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ये नहीं पूछा जाएगा सकात दी है कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की पाबंदी की है कि नहीं। तो इसलिए ये भी हमारे लिए काबिल गौर है। मैं एक ऐसे पीर साहब से वाकिफ हूँ, अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है वो हिदायत के रास्ते आसान फरमाए, उन्होंने बकायदा उसकी तकरीब में ऐलान किया था कि जो जो मेरे वालिद के उसमें आए वो सारे जन्नती, सारे जन्नती। तो कतन किसी को अख्तियार नहीं है कि ऐसे मतलब जो है वो जन्नत के टिकट बांटने शुरू कर दे, दुआ जरूर किया जाए अल्लाह हमें इस लायक बनाए कि उसकी जन्नत को हासिल करने वाले, अल्लाह हमें उन रास्तों पे चलाए कि जिन रास्तों पे चलने वाला जन्नत का हकदार बनता है। लेकिन ये नहीं है कि करे भी कुछ नहीं और अमली तौर पर जो है किरदार भी अदा ना करे और दीन के लिए जो है हमें तड़प और जज्बा भी ना हो और घर में खुद ही टिकट काट के जन्नत का बैठ जाए, तो ये अपना जो है वो दीन से महरूमी वाली बात। अल्लाह ने वासे तौर पर फरमा दिया तुम ये गुमान करते हो कि जन्नत में चले जाओगे तुम्हें आजमाए नहीं जाए, आजमाइश आनी है इस्लाम, इस्लाम में जो है हमें तंगी भी आनी है, मुश्किल भी आनी है, रुकावटें भी आनी है, दीन की राह में जो है मुमकिन है बेरोजगारी का सामना करना पड़े, दीन के राह में जो है माली कमी का सामना करना पड़े। लेकिन जो इस पर डट जाता है कि दुनिया जितनी मर्जी मेरे सामने जो है क्यों ना रुकावट बन जाए, मैंने ना रब को छोड़ना है ना रब के रसूल को छोड़ना है, अल्लाह की इज्जत की कसम ये अल्लाह का वादा है कि मन यते इल्ला व रसूल फकद फाज फौजन अजीमा, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत का दामन थाम के रखता है अल्लाह उसको दुनिया में भी कामयाब करता है मरने के बाद भी कामयाब करता है। जो भी इन आजमाइशों के सफर से गुजरता है वो किसी जगह पे दाता की हजूरी बन के बैठ जाता है, जो इस सफर से गुजरता है वो कहीं पे मुजद्दद अलसानी बन के बैठता है, जो इस सफर से गुजरता है वो कहीं पे बाबा फरीद बन के बैठ जाता है, वो कहीं पे ख्वाजा बख्तियार काकी बन के बैठ जाता है, वो कहीं पे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बन के बैठ जाता है, वो कहीं पे जो है पीर सयाद अजमाल बन के बैठ जाता है, पीर सिवाक बन के बैठ जाता है। ये बुजुर्ग जो है औलिया के राह ये इन राहों से गुजरे हैं, जरा उनकी तारीख तो पढ़े, उनकी मेहनतें तो पढ़े, 30-20 साल उन्होंने दीन को पढ़ने में लगा, 20-20 साल दीन को पढ़ने में लगा, सफर बर्दाश्त किए, खुराकें भूख बर्दाश्त की, सहाबे किराम का भी ऐसे हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने में थे, उनको पता चला कि एक सहाबी बगदाद में रहते हैं और उन्होंने हुजूर से ये बात सुनी थी, हजरत जाबिर घोड़े पे सवार हुए 15 दिन का सफर करके बगदाद पहुंचे, 15 दिन का सफर करके बगदाद पहुंचे
और उस सिहाबी के दरवाजे पे आके बैठ गए, दरवाजा भी नहीं खटका है कि बेअदबी ना हो जाए। इनके पास हुजूर की हदीस है, दरवाजे पे आके वो सिहाबी बाहर निकला, देख के हैरान हो गया कि हजरत जाबिर है। तो उस सिहाबी ने पूछा कि जाबिर कैसे आना हुआ? हजरत जाबिर कहते हैं मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक हदीस है जो तूने बराह रास्त अल्लाह के नबी की जुबान से अपने कानों से सुनी है। मैं वो हदीस जो है सुनने आया हूँ कि रसूल ने क्या फरमाया। तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब वहां पे खड़े होकर बात करते हैं तो वो सहाबी कहते हैं कि आप हमें हुक्म भेज देते, हम आ जाते। सहाबी कहते हैं कि आप आए अंदर बैठते हैं, मैं आपको बिठा के बात बताता हूँ। हाँ हाँ मैंने सुनी है। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं सिर्फ हदीस लेने के लिए आया था, मैं बैठने के लिए खाना खाने के लिए नहीं आया था। अगर मैं बैठ गया खाना खा लिया तो फिर जिस नियत से मैं आया था वो नियत बदल जाएगी और मैं सवाब से महरूम हो जाऊंगा। हजरत जाबिर ने उधर ही खड़े खड़े हदीस ली, हदीस सुनी और फिर 15 दिन का सफर करके मदीना शरीफ पहुंचे। एक हदीस के लिए एक बात, ये दीन की तड़प, ये अल्लाह रसूल की बातों के लिए चाहत। तो हमने तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं किया, ना हमने दीन को समझने के लिए, ना समझाने के लिए, ना उसके साथ में चलने के लिए। बस एक रस्मी तौर पर है भाई इस्लाम जमहूरिया पाकिस्तान है, मुसलमानों का मुल्क है, मुआशरा मुसलमानों का है। अमली तौर पर फिर जब हम इस सफर में आएंगे तो यकीनन फिर हमें मुश्किल भी होंगी और जो भी उन मुश्किल को बर्दाश्त कर लेगा अल्लाह का वादा है कि फिर जो है अल्लाह की नुसरत और मदद जो है फिर अहले ईमान के करीब हो जाती है। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान पे कायम रहने, मरते दम तक इसको संभाले रखने और इसकी बरकतों को हासिल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا حي يا قيوم برحمتك نستغفرك صلاتك بنا يا ربنا طرفه عين المسجد لنا شؤون لنا كل عمولنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله تیری بارگاہ میں بیٹھ کر جو بیان تیری کی موجودگی میں تیری لاگے کتاب قران مجید کی تعلیم دی گئی یا اللہ اسے قبول حضور فرمائے یا اللہ ہر سے قران کے اس دماغ میں محترم جناب حاجی صاحب صاحب کی طرف سے لنگر کا اہتمام ہوا یا اللہ اسے قبول فرما کر سب کے لیے نور کا اور برکت کا ذریعہ بنا یا اللہ حاجی صاحب کو دیگر جو مریضوں کو حاجی امتیاز صاحب کے گھر والوں کو خصوصی یا اللہ صحت کامل عاجل عطا فرما جو ہمارے مسلمان مرد و خواتین گھر میں اسپتال میں زیر علاج ہیں یا اللہ ہمارے ملک کی فضا کو شفا والا بنا اس کی ہوا کو شفا والا بنا تمام مریضوں کو صحت کامل عاجل عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد